भाजपा नेता पूर्व मंत्री इमरती देवी ने रस वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को क्षमा नहीं किया है। इमरती देवी ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से निवेदन करते हुए जीतू पटवारी को जेल भेजने की मांग की है। भाजपा नेता इमरती देवी ने कहा, ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर कांग्रेस की सफाई होगी और भाजपा जीतेगी। फूल सिंह वरैया के भिंड लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद भांडेर विधानसभा सीट पर इमरती देवी के चुनाव लड़ने की खबरों पर उन्होंने कहा, मैं भांडेर से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं डबरा में ही रहूंगी और डबरा से चुनाव लड़ती हूँ, भांडेर से नहीं लड़ूंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान हाल ही में हुए खुद के वायरल ऑडियो को लेकर इमरती देवी ने कहा, वो झूठा ऑडियो था, कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके झूठ उड़ा दिया गया था। जीतू पटवारी के इमरती पे दिए गए रस वाले बयान को लेकर इमरती ने कहा, उन्होंने जो कहा था उसके लिए FIR दर्ज कराई है, हम तो उनकी गिरफ्तारी चाहेंगे। जीतू पटवारी के माफ़ी मांगने को लेकर इमरती ने कहा, पहले जूता दे लो और फिर माफ़ी मांग लो, मैं ऐसी माफ़ी नहीं मानती, इसलिए मैं मुख्यमंत्री और प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। चारों की चार कांग्रेस की सीटन की सफाई होगी, भारतीय जनता पार्टी की चार सीटें जीतेंगे हम। पहले जूता दे लो फिर माफ़ी मांग लो, ऐसी माफ़ी थोड़ी हम मानते हैं। यही चाहती हूँ मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगी कि जल्दी से जल्दी उन्हें उठा के और जेल में डालें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।